हाय दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं 9:30 बजे से स्टार्ट। टाइम हो रहा है 9:30, और अभी तक थी मैं गोलू के साथ। और अब मैंने कहा कि 2-4 पुल्ले घास ले आती हूँ यार, क्योंकि गोलू के साथ पापा आ गए हैं। और मैंने कहा तो घर पर ही बैठ के क्या करना है, मैंने कहा 2-4 पुल्ले घास ले आऊँगी। और आज का मौसम देखो ऐसा हो रखा है ना, चारों तरफ तगड़ा वाला मौसम हो रखा है, बारिश आने वाला, लेकिन आ नहीं रही है। इतनी गर्मी, इतनी उमस हो रही है ना कि पूछो मत, हालत ख़राब हो रही है ऐसी उमस में, ज़्यादा ही हो रही है कुछ। तो अभी जा रही हूँ घास के लिए, ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, यहीं पे जा रही हूँ। और 4-6 पुल्ले लेके आ जाऊँगी, क्योंकि आजकल का घास बहुत भारी होता है। तो चलो आप बने रहिए ब्लॉग के साथ, मैं मिलती हूँ आपको, ठीक है? तो टाइम हो चुका है, 11 बजने वाले हैं, और मैंने काट दिया है घास, अपनी फंची भी लगा दी है। अब देखते हैं कैसे कैसे होता है, भारी होता है, हल्का होता है, पता नहीं कैसा होता है। जैसे तैसे लगा दिया है मैंने। और इतनी गर्मी, इतना पसीना, इतनी उमस हो रही है ना कि पूछो मत भगवान, बारिश कर दी एक झमाझम वाली। कल परसों रात को एक मस्त वाली बारिश आई थी, लेकिन फिर भी ठंडा नहीं हुआ। अभी हो जाती ना मस्त बारिश तो अच्छा था। इतनी उमस हो रही है कि बारिश तो होनी चाहिए यार, इतनी हालत ख़राब हो रही है ना गर्मी से कि पूछो मत। तो मैंने अभी इधर ही काटा है घास, और इधर भी काटा है थोड़ा सा। तो चलो अभी चलती हूँ घर, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अभी घर जाके क्या पता खाना वाना बनाना पड़े, या गोलू के साथ रहना पड़े, क्या करना पड़ता है देखते हैं। तो चलो मिलती हूँ आपसे, ठीक है? तो पहुँच गई हूँ मैं घास लेके अपनी छन्नी में। यहाँ पे फेंक दिया है मैंने, भारी तो नहीं था, लेकिन आते आते ना थोड़ा हो ही जाता है। इससे ज़्यादा दूर नहीं गई थी मैं, यहीं पे गई थी। बट अब चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है, घर पे। तो टाइम हो चुका है, शाम के 5 बज गए हैं, और मैंने चाय वगैरह पी ली है। और दिन में घास से आई मैं, उसके बाद गोलू के साथ थी, तो गोलू के साथ तो कोई ब्लॉग भी नहीं बनता है। और चावल दाल तो बनी रखी थी वैसे, पर चावल बनाने थे तो वो भी बना ही लिए थे। तो अभी जा रही हूँ मैं घास के लिए, और घास के लिए जाती हूँ। सुबह शाम बाकी तो करती हुई क्या हूँ, क्या ही हूँ, है ना। पर घास के लिए इसलिए जा रही हूँ कि उधर को दी भी जा रही है, और वहाँ पे ना वही छीमियों पे टहनियाँ लगानी है, मतलब वहाँ से दीदी काटेंगी उनको। तो पहले मैं नीचे वाले घर पे जा रही हूँ सबल लेने। तो सबल की मदद से हम खड्डा करेंगे, फिर तब जाके सपोर्ट के लिए टहनियाँ लगाएंगे बड़ी बड़ी वाली। तो चलो अभी पहले नीचे वाले घर से सबल लेके आती हूँ, फिर चलती हूँ। दी इंतज़ार कर रही होगी, जैसे दी ने अभी पहले काटने भी हैं टहनियाँ, बड़ी बड़ी टहनियाँ चाहिए उसके लिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारा है जहाँ मैं उस दिन गोड़ने गई थी। तो चलो अभी पहले चलती हूँ, फिर मिलती हूँ, ठीक है? मैं ले आई हूँ सबल, नीचे वाले घर पे था, क्योंकि बोड़ी ने भी ना अपने छीमियों पे ऐसी टहनियाँ लगाई, तो इसलिए उनके घर पे ही था वो। तो अभी मैं ले जाती हूँ, अभी तो दी काट ही रही है, तब तो मैं घास वगैरह काट लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है? तो मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में, और ये हमारा छीमी का खेत है। मैंने गोड़ा भी था ये, लेकिन इसमें फिर से इतना झाड़ आ गया ना कि क्या बताएं। और इसने ना अब वो भी दे दिए हैं देखो, ऊपर को बढ़ने के लिए, तो इसलिए लगाने पड़ते हैं इन पे ना, वो टहनियाँ लगानी पड़ती हैं इन पे, कि ताकि अब बरसात का मौसम होता है कि ख़राब ना हो और टहनियों में चले जाएँ, तो फिर ख़राब नहीं होते ना, तो इसलिए टहनियाँ लगानी पड़ती हैं। नहीं तो पूरी जो छीमियाँ वगैरह दाल वगैरह है वो ख़राब हो जाती है नीचे, तो इसलिए लगानी पड़ती हैं। और पहले नहीं लगाते थे, अभी लगाते हैं। पहले भी भला ऐसे ही रहते थे, पर पता नहीं किसी ने सिखा दिया होगा कि ऐसे भी करते हैं करके, तो इसलिए। तो चलो पहले घास वास काटती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है? तब तक आप बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो टाइम हो गया है 6:30, और मैंने घास काटा है थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब एक जने के लिए तो हो ही जाएगा ले जाने के लिए। और यहाँ पे दी ने ना दो टहनियाँ रखी हुई हैं, जितनी भी होंगी 2-3, तो बोला कि लेके आओ उनको, तो उन्हीं को लेने जा रही हूँ मैं। तो चलो आप बने रहिए ब्लॉग के साथ, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है?